हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप DIY मेकअप शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मुझे बहुत दिन हो गए मैम ने आप लोगों के साथ कोई DIY मेकअप नहीं शेयर किया, तो आज मैं आप लोगों के साथ लिपस्टिक बनाना बताऊंगी। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों का दिन आ चुका है, गर्मियों में हम सर्दियों की तरह क्रीमी लिपस्टिक तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो क्रीमी लिपस्टिक लगाने जैसे लगता है बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, गर्मी का एहसास होता है तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ मैट लिपस्टिक बनाना बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा आसान होगी, और सबसे खास बात ये होगी इस वीडियो की, इसमें आपको एक रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, एक रुपए भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसे मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो भी यूज़ करूँगी, सब आपके पास ऑलरेडी पड़ा ही होगा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम बहुत सारा मेकअप खरीद लेते हैं और अक्सर वो वेस्ट जाता है, क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करते या हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता, तो इस तरीके से हमारे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे मेकअप होते हैं जो वेस्ट जाते हैं। तो आज मैं उसी प्रोडक्ट का यूज़ करके आप लोगों को लिपस्टिक बनाना बताऊंगी, जिन्हें आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैट लिपस्टिक बनाने के लिए आपको लेना है कुछ बेसिक सी चीज़ें लेनी जो सबके पास होती है, और वैसे हम लड़कों के पास मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते, तो आप इसकी जगह, जैसे मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई सा भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो आप यूज़ नहीं करते, आप उसे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ये फ्लोरिना फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह आपके पास जो सा भी फाउंडेशन है, कोई सा भी पुराना या डार्क स्किन टोन का है, मतलब आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है, आप ब्लश ले सकते हैं या कोई भी पुराना आई शेडो पैलेट आपके पास है जो आप यूज़ नहीं करते, वो ले सकते हैं। तो या इस तरीके से ले सकते हैं, मेरे पास एक और था पड़ा हुआ सा था, मैं यूज़ नहीं करती, इस तरीके का आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक जो है, हमें कलर डालना है, पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, तो इसलिए वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। आपको फाउंडेशन लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हम थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे, मैं आपको यहाँ पर कई टेस्ट में बताऊंगी। यहाँ इस तरीके से आपको फाउंडेशन लेना है, उसके बाद हमें जिस कलर की लिपस्टिक बनानी है वो कलर हमें चूज़ करना है। या दोस्तों, इस तरीके से मैंने फाउंडेशन ले लिया, इसके बाद हमें कलर चूज़ करना है। तो इसमें से जैसे मैं यहाँ पे पिंक कलर का ये आई शेडो पैलेट में से ये कलर ले रही हूँ, तो इसका थोड़ा सा पिगमेंट हम इसमें डालेंगे, इसको बस हमें थोड़ा सा ऐड करना है ताकि मैं अच्छा खासा कलर आ जाए इसमें। तो जैसे मैंने इस तरीके से किया, इसको हम थोड़ा सा और करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी शाइन है इसका, जो मैं जैसे मैंने यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा शिमरी कलर था, जो आप इसे अपने होठों पे लगाएंगे तो हल्का सा ग्लिटरी इफेक्ट भी आपको आएगा, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इसे अपने हाथों पे पैच टेस्ट करा के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शाइन की, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये शाइनिंग दे रहा है आपके लिप्स को, जब आप इसे होठों पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से, और आपको इस तरीके से लगाना है, और सबसे खास बात है ये वाटरप्रूफ होने वाली है। जी हाँ, मैं आपको अभी आपको उसका टेस्ट भी दिखाऊंगी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी क्रीमी नहीं है, गर्मियों के लिए बहुत है, अच्छी है, मैट है, और कितने आराम से बन गई, आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बन करके तैयार हुआ है। आप इसी तरीके जैसे मैंने पिंक शेड में दिखाया है, इसको हमें पहले ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट की, अच्छी खासी जगह ड्राई हो जाएगी, फिर आपकी ये किस प्रूफ वाटरप्रूफ हो जाएगी, और मैं आपको अभी टेस्ट करके भी दिखाऊंगी इसका। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कलर ये है, मैं आपको अभी एक और कलर बना करके दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस आपको इसी तरीके से फाउंडेशन लेना है, मैंने फाउंडेशन ले लिया, अब हम अपना नेक्स्ट कलर पिक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिंक शेड की लिपस्टिक दिखाई, अब मैं आपको ब्राउन शेड की लिपस्टिक बनाना बताऊंगी। तो सेम इसी पैलेट में से हम ब्राउन कलर लेंगे। आप जैसे मैंने यहाँ पे वेस्ट है, मैं इसे यूज बिल्कुल भी नहीं करती, मैंने सिर्फ इसे ऐसे ही लिया, तो आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट पड़ा है आप उसको ले सकते हो। तो मैं इसका जो ये ब्राउन कलर है वो लूंगी, चाहे तो आप इसका कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ, और इसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होने वाली, क्योंकि बिल्कुल 100% मैट है। साथ में आपको जैसे मैंने आप दिखाया, कितनी आसानी से घर पे से बना भी ले रहे, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे आपके पास। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्राउन कलर बनकर के तैयार है। मैंने जो आपको ये लिपस्टिक दिखाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से पास से दिखा दे रही हूँ, तो बस इस तरीके से आपको हाथ पे पैच टेस्ट करके दिखा रहे, और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगी। मैं आपको फिर से दिखा दे, इस तरीके से मैंने अपने हाथों पे हाथ रखा, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे हाथों में नहीं लगी, ये बिल्कुल जैसे बोलूंगी बिल्कुल अभी स्मच नहीं हो रही। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल भी अगर इस तरीके से हाथों पे करके दिखते हैं, तो आप देख सकते हैं
बिल्कुल भी नहीं, 100% गारंटी, और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये स्मच प्रूफ है। जी हाँ, तो दूसरा मैं आपको जो कलर आपको बना ब्राउन कलर है वो आपको बनाना है, जैसे मैंने बताया, और उसे भी आपको उसका पैच टेस्ट दिखा दूं। तो इस तरीके से जी हाँ दोस्तों, कलर आप देख सकते हैं, शायद आपको उसका कलर ही समझ में आ रहा हो पास से, लेकिन कलर आप देख सकते हैं जो इसका ब्राउनिश कलर बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर है, वो जो महंगी महंगी लिपस्टिक में जो शेड्स आते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैसा ही कलर मैं आपको पास से दिखा दूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर बन करके तैयार है, और दोनों की जो पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों के दोनों बिल्कुल स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी लिपस्टिक आपको लगाने के बाद फैलेगी नहीं, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगी। और सबसे ज़्यादा बात जो इसकी बात, कितने रुपए लगेंगे, मुश्किल से 10 रुपए लगेंगे। अगर आप इस तरीके के पैलेट नहीं लेते जो लूज पिगमेंट आते आप वो यूज़ करके बना सकते हो, तो जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा इजी है, आप आराम से इसे बना करके इस डिब्बे में स्टोर कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों लिपस्टिक आप पास से देख सकते हैं, आप इसे पार्टी में भी लगा के जा सकते हैं, कितना प्यारा शिमर है, आपको एक्स्ट्रा शिमर ऐड करने की जरूरत नहीं, आपके ये लिप्स को बिल्कुल हाईलाइटिंग इफेक्ट देगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, और मैं आपको अभी इसे दिखाती हूँ, जैसे मैंने इसे अभी मैं इसे स्मच करके आपके सामने ही दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मच नहीं हो रही जिस तरीके से मैंने इसे रगड़ा है, मैं आपके सामने फिर से इसे रगड़ करके दिखा दे रही हूँ, तो बिल्कुल, और इसे कोई कट एडिट मैंने नहीं किया, ये बिल्कुल स्मच नहीं हो रही है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मैं आपको उससे पानी डाल करके दिखा दूँ, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन तो वो भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको पैच टेस्ट करके दिखाती हूँ, तो मैं इस पे आपके सामने पानी डालूंगी, और आप देखिएगा, देख सकते हैं आप, जी हाँ, आप, मैंने इसे पानी डाला और ये जरा भी स्मच नहीं हुई। मैं दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाला, मैं आपके सामने फिर से इसको पानी डाल के दिखा दूं, और आप देख सकते हैं मैं इसे पानी डाल रही हूँ, ये जरा भी फैल नहीं रही है, बिल्कुल स्मच प्रूफ है, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरी इस DIY मैट लिपस्टिक को अपने घर पे जरूर बनाएगा और जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो आपसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड चैनल मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।